हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे आपको प्रीमियम चाय, जो आप जैसे आप सफ़र करने कहीं जाते हैं तो आपको किस तरह से चाय मिलती है। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप इस पाउडर को बना करके रख सकते हैं, और आपका जब भी मन करे रास्ते में आप चाय पीने का तो आप इसको बना करके पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने बहुत ही आज खास चाय वाली रेसिपी बना करके शेयर की है। तो इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाय पत्ती ले लेना है और ले लेना है आपको मिल्क पाउडर। तो ये मैंने चाय पत्ती और मिल्क पाउडर को दोनों को बराबर ले लिया है। और इसके बाद हम लेंगे कुछ 10-12 इलायची। आपको जिस तरह जितना भी पाउडर तैयार करना है उस हिसाब से आपको सामग्री को ले लेना है। और इसके बाद हम लेंगे गिंगर पाउडर, जिसको हम सौंठ पाउडर भी बोलते हैं, तो इसको भी हमें 2 चम्मच के करीब ले लेना है। और फिर आपको क्या करना है, चम्मच की हेल्प से इन सबको मिला लेना है। फ्रेंड्स, ये जो चाय बनने वाली है आज बहुत ही स्पेशल है, और सबसे खास बात ये है कि आप जब चाहें इसको जिस जगह में चाहें उसको बना करके आप पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे चीनी, जैसे कि हमने 2-2 चम्मच सब बैटर डाला हुआ था तो उसी हिसाब से हमने चीनी को भी डाल दिया है। तो मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी को डाल दिया है और इस सबको हमने मिला लिया। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना, एक मिक्सी के ग्राइंडर जार में इसका हमें पीस करके पाउडर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार आप बना करके ज़रूर देखिए, और ये बहुत ही कम समय में, कभी कभार हम लोगों के साथ में क्या होता है कि हम लोगों को चाय बहुत जल्दी बनानी होती है और हमारे पास समय कम रहता है, तो ये वाला पाउडर आप बना करके रख सकते हैं, और जब भी आप चाहें तो घंटों का काम आप 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको बना लेंगे पाउडर। तो मैंने इसके मिक्सी में डाल करके इसको मैं एक बार चला दूंगी, तो अभी मैं देखूंगी कि पिसा है सही से कि नहीं। तो हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना, थोड़ा सा कम पिसा हुआ तो मैं थोड़ा सा इसको और चला दूंगी और इसको निकाल करके रख लूंगी। और फ्रेंड्स, खास बात यह है कि इस पाउडर को आप जब तक चाहें तब तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप जब कभी भी आप सफ़र करने कहीं गए होंगे तो इसी तरह का पैक पाउडर मिलता है। तो बस आपको आप क्या करना है, इस पाउडर को डिब्बे में किसी बंद करके रख लेना है, और जब भी आप कहीं रास्ते में जाएं सफ़र करने तो इसको आप रख लीजिए। और बस अब आपको क्या करना है, लेना गर्म पानी। तो गर्म पानी आप कहीं जा रहे हैं तो बोतल में भर के ले जा सकते हैं, और बस इस गर्म पानी को डालना है और बस 1 चम्मच हमें पाउडर को मिला देना है। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी चाय बन करके तैयार हो जाएगी, बहुत ही खुशबूदार। और सबसे खास बात यह है कि हमारा समय भी बहुत कम बचता है, और आप बहुत ही टेस्टी अदरक वाली चाय बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी 1/2 चम्मच डाला हुआ था, मैं थोड़ा सा पाउडर और डालूंगी क्योंकि अभी ये कम है। तो आपको 1 चम्मच भर के पाउडर डालना है, और बस इसको देखिए 1 मिनट में ये हमारी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही स्वादिष्ट चाय बन करके ये तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे वीडियो हैं वो आप लोगों के पास में पहुंच सके और आप मेरी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी चाय बनके तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, कोई लेना है कॉटन का कपड़ा, या आपके पास छन्नी है तो आप छन्नी ले सकते हैं, और इसको हमें छान लेना है। तो आपकी ये चाय बनके होकर ही तैयार। तो फ्रेंड्स, है ना, देखिए इसको कितना बनाना आसान। अब आपका जब भी चाय पीने का मन करे तो बस पाउडर निकालिए और बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।